यूँ तो नवरात्रि पर्व में सभी माँ की आराधना में लीन है, लेकिन हम डिंडोरी जिले का एक ऐसा अनोखा भक्त देखने जा रहे हैं जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 3 साल से माँ की आराधना में मग्न है। क्या सुबह क्या शाम दोनों पहर की आरती में माँ की अनोखा भक्त समय देता है। डिंडोरी के बहुत तारिणी मंदिर में 3 वर्षों से दोनों टाइम स्वान आरती में शामिल होता आ रहा है और जयकारे के समय माइक में अपनी आवाज़ में भोगता है। आप माने या ना माने, स्वान की आस्था देख मंदिर के भक्त भी हैरान होते हैं। आरती के पूर्व मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनकर ऐसे दौड़ता है मानो कोई भी अपनी ओर खींच रहा है। माँ के ऐसे अनोखे भक्त की भक्ति देख लोग उसे देवी की चमत्कार मानते हैं। कुछ ऐसा पूर्व के जन्म में छोड़कर देखने को मिला है। माँ का यह भक्त आरती के बाद जोरदार जयकारे भी माइक में लगाता है। डिंडोरी नगर में हंस नगर स्थित है। यहाँ भातरा नेरिणी नर्मदा नदी, जिसका निर्माण नर्मदा नदी की उत्तरी तट पर वर्ष 2010 में हुआ था। इस मंदिर के पुजारी दिनेश गौतम का कहना है कि वे बीते 7 सालों से इस नर्मदा नदी में दोनों समय पूजा आरती करते आ रहे हैं। ऐसा देखने को आया है कि पिछले 3 सालों से जब भी सुबह और शाम की आरती के पूर्व मंदिर की घंटियाँ बजाई जाती है तो उसे सुनकर हनी नाम का कुत्ता यहाँ आ जाता है। वह दौड़ते हुए मंदिर पहुँचता है। नर्मदा नदी में आरती जब शुरू होती है तब तक वह कुत्ता शांति से अपने दोनों पैर आगे कर भक्ति भाव से सुनता है। माँ की आरती के समापन के बाद जब मंदिर में जयकारे लगाए जाते हैं तो हनी माइक में जोरदार जयकारे लगाता है और तब तक लगाता है जब तक जयकारे लगाना बंद नहीं हो जाते हैं। वह हनी बड़े चाव से मंदिर का प्रसाद खाकर मंदिर से रवाना हो जाता है। ये है कि ये जीव जो है स्वान भैरव जी की एक सवारी माना गया है और करीब 3-4 वर्षों से जो है ये माता रानी के दरबार में और उपस्थित होता और जयकारा लगाता है। ये मंदिर 2010 में इसका मैया जी की स्थापना हुई है। निर्माण का लगभग 2007 से इसका प्रारंभ था। 2010 में वहाँ प्रतिष्ठा हुई और ये जो स्वान हैं ये बहुत छोटे से यहाँ आया था। ये दो थे, इनको ये मोहल्ले वालों ने इनका नाम हनी और बनी रखा था, जिसमें इसका एक साथी मर गया है, एक गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर। वो भी दोनों मंदिर के पास जब ये आते थे लगभग इनको 5 साल मंदिर के आसपास आते हो गए और 2003 से पहले आता था तो इसको भगा दिया जाता था यहाँ से, कुत्ते का प्रवेश वर्जित था। लेकिन इसका जब भाव भक्ति देखे तो ये मंदिर के जहाँ पर खड़े हुए जहाँ आरती होती है बस यहाँ तक है, 2-3 वर्ष से आ रहा है।